का कम्युनिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो कम्युनिटी से जुड़े हुए तो आप हमें भेजें, अपना नाम, अपने शहर का नाम भेजें, फिर हमारे नंबर 9136934065 इस नंबर पे अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। आपके सभी सवालों के जवाब हम अगले आधे घंटे तक देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान होंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे। अजय केडिया हैं केडिया कम्युनिटी से, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कम्युनिटी से, और रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्रूड को लेकर क्या लग रहा है बीरेन जी? आज शुरुआती नरमी के बाद तेजी लौट आई है, कल यहाँ पे दबाव दिखा था, शुरुआत में भी दबाव था, यूएस में क्रूड स्टॉक बढ़ने का ये दबाव था, अब क्या लग रहा है, अब किस तरह की चाल आपको आगे के लिए दिख रही है क्रूड की? मीन्स सप्लाई साइड की थोड़ी चिंताएं है, और ये हरिकेन सीजन थोड़ा सा बिजी होगा। ओपेक का निरंतर सप्लाई कट, जो प्रोडक्शन कट जो आ रहा है उसके कारण भी थोड़ी सी सप्लाई की कमी है। तो इसका जो दायरा है मुझे ऐसा लग रहा है कि 77 से 87 तक रहना चाहिए, और फिलहाल रेंज है वो 6550 से 7120 7150 ऐसी रहनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स मैं प्रिफर करूंगा। तो क्रूड को लेकर आपका ये व्यू है, आप क्या सलाह दे रहे हैं केडिया जी, आपकी राय कच्चे तेल पर? नमस्कार विश्व जी। नमस्कार सर। देखिए कच्चे तेल की अगर बात करें तो वैसे तो फंडामेंटल काफी मजबूत है। हमने देखा यूएस में ड्राइविंग सीजन स्टार्ट है, मिडिल ईस्ट में टेंशन बने हुए, यूक्रेन रशिया के बीच में भी तनाव कंटिन्यू बना है। आईईए और ईआईए के भी जो अपडेट आए जिसमें बताया जा रहा है सेकेंड हाफ जो होने वाला है उसमें डिमांड इंप्रूव रहेगा, हरिकेन सीजन है, तो सभी चीज सपोर्टिव है। बट इससे पहले अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट में जो रिसेंटली एक बड़ा जंप आया था उस जंप के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चले गए, इसलिए बार बार हम देख रहे हैं कि प्राइजेस करीबन 68-68.50 तक जाता है और रिवर्ट कर देता है। इवन ब्रांड भी है 86 के आजू बाजू में पिछले 3-4 दिन से कंसोलिडेशन फेज में बना हुआ है, तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन आप खत्म होता हुआ दिखाई देगा। ऑप्शन के जरिए भी आप पोजीशन बना सकते हैं, जहां पे 6800 का कॉल 120 रुपए में लेके चलिए, 220 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर में भी मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक, जैसे मॉर्निंग में भी हमने देखा था अगर 69.40-69.50 के करीब मिलता है तो लेके चलिए ऊपर में 6900 से 6920 तक का लेवल मिलेगा, फंडामेंटल बिल्कुल मजबूत है, बट टेक्निकली थोड़ा पुल बैक मिले तो बेटर रहेगा 6740 के करीब लेना। बात कर लेते हैं गोल्ड में भी, देखिए शुरुआती नरमी के बाद अब यहाँ पे अच्छी रिकवरी आई है, 71400 के आसपास सोने का भाव चला गया है। रवि जी बताइए गोल्ड पर अपना व्यू क्या लग रहा है, आगे क्या ये तेजी और बढ़ेगी या दायरे में ही रहेगा? आज के जो डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोर पीसी क्वार्टरली एज वेल एज जीडीपी ग्रोथ के जो नंबर्स आने हैं 6 बजे, उसके ऊपर काफी निर्भर रहेगा मार्केट, क्योंकि पूरा हफ्ता कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं थे और इसके बाद आज के डेटा आ रहे हैं। कल भी कोर पीसी प्राइस इंडेक्स के डेटा है मंथली, तो आई थिंक ये दोनों दिन डेटा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। हालांकि जिस हिसाब से 3 दिन से जो 3 करेंसी है, यूरो है वो अपने फ्रांस के इलेक्शन के हिसाब से, यूके नेक्स्ट वीक जो यूके में इलेक्शन है इस हिसाब से, और येन, तीनों की जो वीकनेस है वो डॉलर को सपोर्ट कर रही थी, या तीनों करेंसी में थोड़ा पुल बैक है, तो लग रहा है कि डॉलर वीक रहेगा। और अगर इस डेटा ने सपोर्ट किया तो थोड़ा यहाँ से और शॉर्ट कवरिंग आगे बढ़ेगा, 71,000 का काफी सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो अगर डिप मिलता है तो मेरे हिसाब से एक बाइंग के अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 71,100 के करीब आप गोल्ड में बाई ले जा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाए 70,880 का, और एक पुल बैक यहाँ से मुझे लग रहा है कि 71,700 तक एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, तो वहां तक के लेवल के लिए मेरे हिसाब से बाइंग का एक रुख रखना चाहिए, सेलिंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। वाई का रुख रखे, सेलिंग अवॉइड करें, रवि जी की तरफ से ये राय है। चलिए अब एक एक करके सवाल ले लेते हैं, कई सारे दर्शक हैं इन्होंने सवाल भेजे। अनिल वारिया हैं, अनिल वारिया का सवाल गोल्ड पर है कि गोल्ड में क्या करना चाहिए। इन्होंने 2 लॉट बाई किया है गोल्ड 71,510 रुपये में, क्या करना चाहिए बीरेन जी? 71,510 की बाइंग है, इनके बाइंग प्राइस से भाव 200 रुपये 150 रुपये नीचे है, क्या रुके इस भाव के ऊपर जाएगा क्या गोल्ड? वीरेन जी
लग रहा है कि जाना चाहिए। टेम्पररी इसका जो दायरा है, वैसे तो ये 2-3% की अभी स्टेबल मार्केट है, तो नीट में जो सपोर्ट आएगा 7700 का रहेगा, और अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो 72200 72400 का रहेगा। कॉमेक्स पर यानी लंदन स्पॉट पर बार बार मार्केट 92-97 से यानी 22-95 से वापस संभल जाता है। तो फिलहाल जब तक ये 2297 होल्ड करता है तब तक इसका दायरा 2295 अपसाइड में 2348 का मान के चल सकते हैं। अगले दर्शक है प्रग्नेश पटेल, हैं अहमदाबाद से। सोना खरीदें या बेचें, केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको? सोना खरीदना चाहिए इनको या बेचना चाहिए? ट्रेडर हैं, सलाह दे प्रग्नेश पटेल जी को। देखिए, एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि जैसे इंटरेस्ट रेट को लेके कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं, जिसके बाद से हमने देखा प्राइसेस में काफी अच्छा करेक्शन आया है। इंटरनेशनल में $2300 के नीचे नहीं जा पा रहा है, हमारे इधर 71 के नीचे कल गया था, बट प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो जैसे कि ट्रेडर है तो इंटरडे के प्रोस्पेक्टिव से आप एक बार लेके चलिए, क्योंकि अभी भी चार्ट के ऊपर भी ज्यादा बड़ी क्लैरिटी नहीं है। 2300 से लेके 2340 का रेंज है। डोमेस्टिक मार्केट में हम 70-800 से लेकर करीबन 71-600-700 का ही रेंज देख रहे हैं। तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से 71-100 के लेके चलिए, 70-850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 71-500 से 600 तक का जब मिलता है वहां पे एक बार लॉन्ग से एक बार एग्जिट कर लीजिए। ये इंट्राडे का व्यू रहेगा। अगले दर्शक है कृष्ण, हैं दिल्ली से, सवाल भेजा है, कॉपर में क्या करना चाहिए? रवि जी, कॉपर में क्या सलाह देंगे कृष्ण को, क्या करना चाहिए इनको? लगातार बेस मेटल में एक मायूसी छाई हुई है। पर्टिकुलर चाइना की डिमांड एक बहुत बड़ा कंसर्न मार्केट के लिए है, तो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा सब्यूट परफॉर्मेंस था। हालांकि अब न्यूज निकल के आई है कि जल्द से ही चाइना जो अपनी वहां की कांग्रेस है वो मिलने वाले, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलर मीटिंग है, आई थिंक 13-14 जुलाई के करीब ये मीटिंग है। तो आई थिंक इसके ऊपर मार्केट का पूरा फोकस होगा, थोड़ा ऑप्टिमिज्म बना रहेगा। तो लोअर लेवल पे भी देखे तो 832 का काफी अहम सपोर्ट है, तो अगर कुछ नीचे प्राइसेस मिलते हैं 835 से 832 के बिटवीन, आप बाई का वहां पे ट्रेड ले। स्टॉप लॉस लगे 824 एंड टारगेट रहेगा 850। मुझे लग रहा है ये दायरा है 832 830 से लेके 850 तक रह सकता है। जब तक कोई बड़े डेवलपमेंट नहीं आते तब तक बड़ी मूवमेंट की उम्मीद नहीं है। शायद लग रहा है कि ये जो वीकेंड में चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डेटा आएंगे उसके बाद आपको बड़ी क्यू मिलेगी, और अगर ये डेटा 49.50 के सामने अगर 50 के ऊपर आता है तो मेरे हिसाब से मेटल में अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। तो ये सलाह है, आपकी राय है कॉपर को लेकर। अगले दर्शक हमारे साथ अमित कपूर, हैं गाजियाबाद से। नेचुरल गैस पर राय चाहिए इनको, किरिया जी क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस पर अमित कपूर जी को? नेचुरल गैस में हमने रिसेंटली देखा कि वेदर कंसर्न्स जो है वो कंटिन्यू सपोर्टिव रहेगा, जिसकी वजह से बार बार में प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन हमने पिछले मैंने देखा था इक्विटी यूएस की जो कंपनी है उन्होंने अपने प्रोडक्शंस को बंद किए थे, जिसकी वजह से रैली आई थी। तो मुझे लगता है अब वो ओपन अप हो चुका है, इसलिए बार बार में दबाव जरूर मिल रहा है मार्केट में। लेकिन वेदर 2 जुलाई तक काफी सपोर्टिव रहेगा, जिसके चलते बाय ऑन ड्रॉप किया जा सकता है। पिछले 2-3 दिन की गिरावट की वजह से भी एक टेक्निकल बाउंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 228 तक का वेट कीजिए, 228 पे बाय कीजिए, 223 का स्टॉप लॉस रखिए। लिमिटेड अपसाइड है जो 236 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं ऑप्शन में भी 230 का कॉल ले लीजिए, ₹12 में 6 का स्टॉप लॉस लगाइए, 22 से 24 तक का जब मिलेगा। बट ध्यान रखिए आज इन्वेंट्री भी है, लिमिटेड अपसाइड है, 36 के टारगेट के लिए एक बार लिया जा सकता है। तो आप या तो 230 के स्ट्राइक के साथ कॉल भी खरीद सकते हैं नेचुरल गैस की, या फिर फ्यूचर्स में भी लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अपसाइड है तो ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस भी लगा कर रखें, और जो टारगेट बताए गए हैं 236 के, उसके आसपास निकल भी जाइएगा। नेचुरल गैस पर ये राय है। अगले दर्शक भी नेचुरल गैस पर ही हैं, विक्रम सिंह हैं। नेचुरल गैस पर 1 महीने के लिए इनको राय चाहिए, क्या सलाह देंगे वीरेन सर? 1 महीने के लिए नेचुरल गैस पर राय दीजिए। वीकली चार्ट में मंथली चार्ट में काफी ओवरसोल्ड है, तो ये पुलबैक शायद 260-270 तक दे सकता है। मैं 220 के आसपास बाइंग प्रिफर करूंगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 207, अपसाइड ऑब्जेक्टिव 245-250। टाइम फ्रेम इसका 2 से 3 वीक का है। अमरिक सिंह हैं अगले दर्शक, सोना 5 साल के लिए इनको खरीदना है, कब और किस भाव पर खरीदे? वीरेन जी क्या सलाह देंगे अमरिक सिंह जी को, 5 साल के लिए इनको गोल्ड खरीदना है, किस भाव पे खरीदना बेहतर होगा? ये काफी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि कॉमोडिटी में इतनी लंबी फोरकास्टिंग नहीं
नहीं हो पाती, बट फिर भी गिवन करंट रूपी सिनारियो, आइडियली बार्गेन जिसको मैं समझता हूँ वो लेवल यहाँ से काफी दूर है, अराउंड 65-67, उस लेवल पे अगर मिले तो मैं लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से बाइंग में कंफर्टेबल रहूंगा। एडिया जी क्या सलाह देंगे, 5 साल के लिए इनको खरीदें, यानी लंबी अवधि के निवेशक हैं, किस भाव पे खरीदें? बिल्कुल विभिन्न बहनों में जैसे बताया 5 साल में बहुत चीजें चेंज होगी, लेकिन मैं अगर 2 से 3 साल की बात करूं तो तीन चार चीज इंपॉर्टेंट है। पहला है डी डॉलराइजेशन, हम देख रहे हैं कि पेट्रो डॉलर का भी अभी अपडेट आने लग गया है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक भी बाय कर रही है। इकोनॉमिकल हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बनी हुई है, मुझे नहीं लगता है कि प्राइजेस अब 68-68 के नीचे भी जाए, तो मुझे लगता है कि पेज मैनर में लीजिए, जैसे 70-70 हजार के करीब, 70-71 के बीच में थोड़ा लीजिए, 68-500 तक लीजिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि ऊपर में आपको अगले 2.5 से 3 साल की बात करें तो काफी फैक्टर्स रहेंगे, बट मुझे लगता है 85 से 90 हजार तक के लेवल हम अगले 2.5 से 3 साल में जंप आते हुए देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल अब जब पेट्रो डॉलर की बात कर रहे हैं जो पैक किया जाता था वो निकल रहा है, डी डॉलराइजेशन की वजह से दूसरी करेंसीज पे जितना विश्वास नहीं उतना गोल्ड पे है, तो मुझे लगता है ये सबको देखते हुए लॉन्ग टर्म में प्राइजेस 85 से 90 का लेवल दिखा देगा, बट इसको 2.5 से 3 साल मिनिमम आप पकड़ के चलिए, इसके बीच में अगर कुछ चेंजेस होता है उस पर नजर भी रखना है, बट आराम से मुझे लगता है 85-90 थाउजेंड तक का लेवल अगले 3 साल में सोना दिखा सकता है। ओके, तो 85 to 90 थाउजेंड का लेवल सोना दिखा सकता है 3 साल में, लेकिन बीच में कई सारे उतार चढ़ाव भी दिखेंगे, भाव नीचे भी आएगा, ये सब का भी आपको ध्यान रखना है, उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट में बदलाव भी करें, लेकिन लंबी अवधि में तेजी की उम्मीद तो है ही। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, संदीप कश्यप है, चांदी इन्होंने खरीदा है 87,942 रुपये पर। रवि जी क्या करना चाहिए, 87,942 की खरीद है। मेरे हिसाब से प्राइसेस वाइज देखे तो थोड़ा हायर लेवल पे बाइंग है, आई थिंक इससे बेटर है। क्या करें आप, ये जो नया महीना है, नया जो ऑप्शंस है, इसमें कॉल बेचते रहे आपके कोर्स के करीब का, तो इससे क्या होगा कि अगर प्राइसेस आपके लेवल तक ना भी पहुंचे तो भी आपको जो कॉल का प्रीमियम है वो आप में डिपोजिट होगा, और वो प्रीमियम काफी अच्छे है, 2,000 के प्रीमियम कम नहीं होते। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जब तक आपका प्राइस ना आए तब तक कॉल बेच के आप अपने पोजिशन में जो पोजीशन आपका जो बाइंग लेवल है वो नीचे करते रहे। साथ में लग रहा है कि आप रुक सकते हैं, आई थिंक एक मुझे लग रहा है कि करीबन बॉटम के करीब ही सिल्वर के प्राइसेस है, 86,000 का बेस ध्यान में रखें और पोजीशन को होल्ड करें। अपर साइड मेरा मानना है कि एटलीस्ट 91,000 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं, आपकी पोजीशन पे होल्ड करें और कॉल बेच दें। के लिए है चांदी को लेकर। अगले दर्शक है, उन्होंने चांद गोल्ड पर सवाल पूछा है, ये जानना चाह रहे हैं कि 71,800 रुपये क्या पॉसिबल है क्या इंट्राडे में? क्या लग रहा है आपको केडिया जी, 71,800 पॉसिबल है क्या गोल्ड में अभी? देखिए पिछले 2-3 दिन की गिरावट के बाद टेक्निकल पुलबैक तो लग रहा है, लेकिन 71,800-850 थोड़ा सा डाइसी एज ऑफ नाउ है, क्योंकि कल पीसी के नंबर भी है, बट मुझे लगता है कि 71,550 से 71,600 तक का लेवल एक बार मिल सकता है, तो 800 के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है सेफ्टी के साथ अगर हम ऑब्जर्व करें तो 71,600 तक का एक बाउंस मुझे दिखता है। चलिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके अब बचे हुए सवालों के जवाब देंगे, साथ ही खाने के तेल को लेकर भी एक खबर है वो भी आपको बताएंगे जल्द। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, प्रमोद हैं पुणे से, इंट्रा डे के लिए चांदी में जाना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। रवि जी आपसे ये सवाल पूछा, हालांकि आपने चांदी में जवाब दे दिया था, लेकिन एक बार अपने फॉलोअर के लिए बता दीजिए, प्रमोद जी हैं, इंट्रा डे में चांदी में क्या करें? इंट्राडे में मेरे हिसाब से थोड़ा डिप पे बाई करना एडवाइजेबल रहेगा, और बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है डेटा का, तो डेटा को देख ले एक बार, 10 मिनट के बाद ही ये डेटा आने हैं, तो आई थिंक ये डेटा आ जाने के बाद आप वहां पे कॉल ले सकते हैं। हालांकि उसमें मूवमेंट भी सेवियर होगा, बट 2 से 3 ज्यादा जब इम्पोर्टेंट डेटा होते हैं तब एक वॉलिटिलिटी आती है, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप लोअर लेवल से ले, 86,800 के करीब सिल्वर में बाई करें, स्टॉप लॉस 86,320 का लगाया और टारगेट 87,600 का रहेगा। अगले दर्शक हमारे साथ निशा अंसारी हैं, सोना नीचे 60,000 रुपये तक भी आ सकता है क्या? बीरेन जी 60,000 का लेवल मुमकिन है क्या? मैं ऐसा मान रहा हूँ, अगर प्रोबेबली जो करंट रिस्क प्रीमियम है वो नवंबर के बाद, 5 नवंबर यूएस इलेक्शन के बाद शायद खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद ये, मैं इम्पॉसिबल एटलीस्ट नहीं कहूंगा ये लेवल को।
आप क्या कहेंगे केडिया जी, 60,000 का लेवल आपको दिखता है क्या? देखिए डायनामिक्स काफी चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से करंटली जो फंडामेंटल हम देखें सेंट्रल बैंक की बाइंग पिछले 2 साल से चल रही है, हम जानते भी जब भी सेंट्रल बैंक बाइंग करती है लंबा बाय करके चलती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, डीडॉलराइजेशन चल रहा है, ईटीएफ के अंदर बाइंग बढ़ रही है, तो ये सबको देखते हुए टाइमिंग 60,000 तो पॉसिबल नहीं है। हाँ वॉलिटिटी जैसे जैसे बढ़ रही है तो मैंने जैसे 68 65.5 का एक बेस पकड़ रहा हूँ, वर्स्ट इन केस पकड़ोगे तो 65 66 पकड़ के चल रहा हूं, मुझे उसके नीचे गोल्ड जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अपसाइड काफी ओपन अप दिख रहा है क्योंकि डीडॉलराइजेशन एक कोई छोटी चीज नहीं है, पिछले 50 सालों में पहली बार हम देख रहे हैं कि लोगों का जो कंट्रीज है उसका रुझान गोल्ड की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, ट्रेड के अंदर हम डॉलर से निकल के अदर एवेन्यूज पे जा रहे हैं, तो मुझे ज्यादा तेजी का रुख ज्यादा दिख रहा है करंट फंडामेंटल को देखते हुए, रादर देन हम देख रहे हैं डाउन साइड लिमिटेड, अगर वर्स्ट इन केस पकड़े तो 65 66 के नीचे मुझे कोई भी एंगल से दिख रहा नहीं है एज ऑफ नाउ। चलिए अब हमारे साथ एक और मेहमान आ चुके हैं, नीरव देसाई जुड़ गए हैं जीजेएन रिसर्च से। शुक्रिया नीरव जी आपने वक्त दिया, आपके पास आ रहा हूँ। एक दर्शक है जो रवि जी से सवाल पूछना चाह रहा है। रवि जी जवाब छोटा रखिएगा थोड़ा सा। सिल्वर 92,000 पे उन्होंने बाई कर रखा है जुलाई एक्सपायरी, क्या लग रहा है अब क्या करना चाहिए इनको? और एल्यूमिनियम पर भी अपना इंट्राडे और पोजिशनल व्यू बता दीजिएगा 30 सेकंड में, रवि जी ये जवाब दे दीजिए। देते हैं एल्यूमिनियम में आप क्या करें, 228 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस 225 का लगाए, टारगेट 235 का रहेगा, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ आप एल्यूमिनियम में बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मेटल्स में कमोडिटी बेटर है, सिल्वर में आप 92,000 के कॉल ऑप्शन अभी बेच दे, जो नई फ्यूचर चल रहा नए ऑप्शन से जो सितंबर एक्सपायरी के, तो वो बेच दे, उससे क्या होगा आपका कॉस्ट है वो 2,000 रुपीज से कम हो जाएगा, तो आपका नया बाइंग एवरेज 89 आ जाएगा, तो ये कॉल तब तक बेच के रखे जब तक ये 92 के ऊपर क्रॉस नहीं होता, और आप रुके अभी 86 का स्टॉप लॉस लगाए, 91,000 तक के लेवल मुझे जल्दी आते हुए दिख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं टैरिफ रेट कोटा के तहत जो सीमित इंपोर्ट की जो इजाजत दी गई है, जिसमें 1.5 लाख टन क्रूड सनफ्लावर सीड का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और 1.5 लाख टन रिफाइंड सरसों तेल का भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा। नीरव जी बताइए इस खबर को, क्या इस पे कुछ असर होगा? हालांकि बहुत ज्यादा ये है नहीं क्वांटिटी में, क्या ये एक जो WTO के हिसाब से जो नियम होंगे उस हिसाब से ये कोटा तय किए गए हैं या कुछ वजह भी है और इसके पीछे? यस, ये WTO के हिसाब से ज्यादा ये लाया गया है, 1.5 लाख टन का क्रूड सनफ्लावर ऑयल एंड सैफ्लावर ऑयल का कोटा है और रिफाइंड रेपसीड ऑयल का कोटा है। अगर हम इस चीज की थोड़ी डिटेल में जाएं तो आज की सिचुएशन में पहले क्रूड रेपसीड रिफाइंड की इंडिया में कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। जनरली हमारे यहाँ रेपसीड मतलब के सरसों तेल कच्ची घानी करके ज्यादा वपरास में है और हमारे को इंडिया में इनहेरेंट डिमांड कच्ची घानी की है, तो वो कहीं ना कहीं सरसों का रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। उल्टा है दूसरे रिफाइंड तेल जैसे रिफाइंड सोया ऑयल है या रिफाइंड पामोलिन है, उसके कंपटीशन में जरूर वो आ सकता है, पर मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि रिफाइंड रेपसीड ऑयल लाना भी हर कंट्री के पास इतनी बड़ी रिफाइंड कैपेसिटी नहीं है कि वो दे सके। दूसरी बात यह है कि आज कोई भी रिफाइंड ऑयल को स्टोर करना भी इतना इजी नहीं है। आज क्रूड ऑयल जब हम लाते हैं तो 15 दिन से महीने भर का वॉयज रहता है, कार्गो को हम स्टॉक करते हैं महीना 2 महीना इवन 3 महीना तक, तो खराब नहीं होता क्योंकि वो रिफाइंड होता है फिर वो यूज हो जाता है एडिबल के लिए, तो वो बढ़िया है। रिफाइंड ऑयल आएगा तो ज्यादा दिन स्टॉक नहीं हो पाएगा, तो रिफाइंड रेपसीड ऑयल भी कर लेते हैं। हालांकि इसके बहुत असर तो बाजार पे नहीं होने वाला है, लेकिन अब आप आए हैं तो भाव के बारे में बताइए, क्या ट्रेंड दिख रहा है खाने के तेल मार्केट को लेकर? खाने के तेल का मार्केट आई वुड से बहुत बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा बड़ी मंदी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है। मार्केट थोड़ा सा पिछले 2-3 सेशंस में डिमांड की थोड़ी सी अछत थी, अब थोड़ी सी कल से थोड़ी बहुत डिमांड की सिचुएशन बेटर है, बट आई फील पाम थोड़ा सा अभी भी कहीं एक सेलिंग मोड में है, इसलिए ऊपर में जब भी तेल जाता है 3900 4000 के आसपास में हम BMD में और इवन फिजिकल में सेलिंग देखते हैं, वहीं नीचे में 3800 के आसपास BMD जाती है तो सेलिंग स्टॉप हो जाती है फिजिकल की, तो एक बैलेंस्ड मार्केट है। और सोयाबीन ऑयल भी बीच में करेक्ट हुआ था परसों और कल, बट आज फिर सोयाबीन ऑयल मार्केट $20 अप है, 1,500-1,510 वाला जो जून जुलाई मार्केट है वो आज $1,025-30 का है। सो ओवरऑल मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, मुझे बहुत बड़ी ना तेजी ना बहुत ज्यादा बड़ी मंदी लगती है।
शुक्रिया नीरव जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और खाने के तेल के मार्केट के बारे में बता दिया। चलिए फटाफट से हम मसालों पे एक चेक ले लेते हैं। केडिया जी फटाफट से बताइए, बहुत 1 मिनट का कुल समय बचा हुआ है, बताइए मसालों पर आपका व्यू। देखिए मसालों में सबसे पहले हम हल्दी की बात करें तो 2-3 दिनों में हमने अच्छी खासी गिरावट देखी, जिस दिन से स्विंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही, बट अभी भी बैलेंस शीट टाइट है, इसलिए लोअर लेवल पे बाइंग है। 17200 पे लीजिए, 16800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 17800 का टारगेट मिलेगा। लेकिन जीरे की अगर बात करें तो जीरे में दबाव बढ़ने की उम्मीद है, डोमेस्टिक में सप्लाई अच्छी है, रिसेंटली हमने जंप देखा था चाइना की न्यूज की वजह से, लेकिन 30,000 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। तो जब तक 30 का लेवल नहीं टूटता है, मुझे लगता है 29300 पे बेचिए, 29800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 28500 तक का लेवल मिल जाएगा। लास्ट अगर धनिया की बात करें, धनिया दायरे में है, 7300 में लीजिए, 7150 का स्टॉप लॉस रखिए, लिमिटेड अपसाइड है जो 7550 से 7600 का लेवल दिखा सकता है, सबसे सुस्त धनिया है, जबकि जीरे में गिरावट और हल्दी में तेजी दिखाई देगी। कि ग्वार में रवि जी छोटा जवाब दे दीजिए, ग्वार में क्या लग रहा है? ग्वार में मेरे हिसाब से थोड़ा बार्गेन बाइंग दिख रहा है, लोअर लेवल से ग्वार गम में ध्यान रखें, बहुत बड़ी अपसाइड की उम्मीद नहीं है, पर 10,300 के करीब प्राइस चल रहा है, 10,200 पे बाई करें, 10,100 का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाए, और अपर से जो टारगेट की उम्मीद है वो 10,800 की रहेगी। बिरेन जी ग्वार पर सीमित दायरे का मेरे को क्लैरिटी नहीं है ग्वार में। ओके चलिए खिरिया जी आप बता दीजिए, आप क्या कहेंगे ग्वार को लेकर? गवार में मुझे लगता है दायरा अभी भी मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से मैं ऑप्शन की सलाह दूंगा, जहां पे 5200 का पुट बेचिए, 5500 का कॉल बेचिए, मार्केट दायरे में रहेगा, ऑप्शन आज से चालू भी हो चुका है, वहां पे हमें एक प्रीमियम अच्छा मिलता रहेगा। शुक्रिया केडिया जी आपका, रवि जी, बीरेन जी, आप लोग दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही, ब्रेक के बाद भी यहाँ पर खबरें चलती रहेंगी। नमस्कार।